गाइस, इनकार नाम की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका कुछ इतना हल्ला गुल्ला है नहीं, क्योंकि इसका कुछ इतना प्रमोशन देखने को भी हमें नहीं मिला। तो आइए सीधा आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं इस फिल्म की। भाई, ये फिल्म ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो रियल आपको लगेगा जैसा इंडिया में होता है, लेकिन ये चीजें सामने आती नहीं है। और इस फिल्म के थ्रू आप ये पूरा इसको रिलेट कर पाएंगे कि यार कैसे क्रूर लोग, कैसे गंदे लोग हमारे समाज में है जो ये सब काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये तो हम क्राइम पेट्रोल में भी देख लेंगे, इस फिल्म में ऐसा नया क्या है। भाई नया तो है, और वो है इसका क्लाइमेक्स। कहानी में एक लड़की दिखाई जाती है जिसे कुछ लोग एक कार में किडनैप कर लेते हैं, और उसके बाद जो इसके साथ कार में होता है वो तो आप ये फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप लड़का हो या लड़की हो, स्पेशली लड़कियों को तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए गाइज। इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और एक मैसेज मिलेगा कि जब तक आप नहीं हारते ना भाई, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। और स्पेशली जब लड़कियां ये फिल्म देखेगी तो रितिका ने जो काम किया है उससे वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगी और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये रितिका वही है जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला है। और फिल्म के बाकी सारे कैरेक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है जो आपको एकदम रियल लगेगा। लोकेशंस रियल लगेगी, डायरेक्शन एकदम सिंपल रखा है, सिचुएशन एकदम डार्क है क्योंकि ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसमें कुछ विचलित करने वाले सीन भी है और अब्यूजिंग लैंग्वेज है जो कि आपको अजीब सा लग सकता है। जैसे भी जितनी भी बार करना है यही कर लो गाड़ी में। जब फिल्म स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है तो इतनी कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन इंटरवल के बाद जो ये फिल्म पेस पकड़ती है वो आपको कनेक्ट करने में बहुत मदद करेगी। गाइस, ये फिल्म देखने के बाद जो एक मैसेज मुझे समझ में आया है कि आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि वो बॉय हो या गर्ल उनकी रिस्पेक्ट करे, और उन्हें कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। गाइस, भले ही ये भारी बजट की फिल्म ना हो, भले ही ये एंटरटेनिंग ना हो, भले ही इसमें टॉप के एक्टर्स ना हो भाई, लेकिन जो इसका मैसेज है और जो इसका क्लाइमेक्स है उसके लिए तो आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। ऐसी फिल्म बनाने के लिए भी सोचना और बड़े पर्दे पर लेके आना भाई जिगरा चाहिए। और भाई ऐसी फिल्मों को हमें प्रमोट करना चाहिए जो कि हमें सच्चाई दिखाती है और लोगों की आंखें खोलती है। तो गाइज, अब अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।